हेलो वेलकम टू केन स्टडीज एनसीईआरटी साइंस क्लास सिक्स का आज चैप्टर सिक्स देखेंगे इसमें है चेंजेज अराउंड अस तो देखो चेंजेज एवरी चीज चेंज होता है वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ना आप यूज कर सकते हो एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग ठीक है यानी या कह सकते हो नथिंग इन दिस कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज चेंज जो है वो यूनिवर्सल है वो हमेशा हो, होते रहता है बच्चा बड़ा होता है बड़ा बूढ़े होते हैं या फिर जो आप मटेरियल का देखोगे वन फॉर्म से अदर फॉर्म में तो जो कुछ चेंजेज होते हैं वो चेंजेज रिवर्सिबल होते हैं कुछ चेंजेस जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेज इ होते हैं तो कुछ चेंजेज रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब है एक फॉर्म में आप चेंज किए फिर पुनः उसमें चेंज सेम फॉर्म में आ सकता है जैसे एग्जांपल वॉटर वॉटर को ठंडा ठंडा करते जाओ तो क्या बनेगा वो आपका आइस बन जाएगा आइस को फिर गर्म करो फिर वाटर हो जाएगा या फिर वॉटर को गर्म करो वॉटर को गर्म करोगे तो क्या होगा वेपर वेपर को ठंडा करो फिर वॉटर तो ये रिवर्सिबल चेंज है कुछ चेंजेज इरिवर्सिबल रिवर्सीबल है आप जस्ट इमेजिन करो अब ये ब्रेड रोटी आटे का आपने रोटी बना दिया रोटी ब्रेड बना दिया तो उसको फिर बैक आप आटे में नहीं ला सकते हो तो ये इरिवर्सिबल चेंज है कुछ केमिकल चेंज हो जाते हैं कुछ केमिकल जैसे आप प्लास्टिक बनाया जाता है तो प्लास्टिक को जिस रॉ फॉर्म से बनाए उसी फॉर्म में नहीं आ सकता है तो ये इरिवर्सिबल तो कुछ चेंजेज रिवर्सिबल होते हैं कुछ चीज चेंजेज होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बैलून लो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे तो बलून लो बलून को आप लिए उसको फुलाओ हवा भरो उसमें वो फूल जाएगा अब बस ये ध्यान रखना है कि वो फूटना नहीं चाहिए अब फिर छोड़ दो बलून फिर सेम सेप में आ जाएगा हवा का या फिर देखोगे लुहार वगैरह जो है वो आ, कुछ कुछ जो आयरन मेटल्स आयरन टूल्स होते हैं उसमें देखोगे कि उसको गर्म करते हैं मिट्टी का उसमें ये सॉरी लकड़ी का उसमें हैंडल लगाते हैं तो उसे आयरन को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है और फिर उसके बाद लकड़ी का जो हैंडल है उसको इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद ठंडा होने देते हैं तो वो फिर अपने सेप में आ जाता है तो अच्छी तरह से उसका पकड़ बन जाता है तो ये क्या है कि रिवर्सिबल है तो अब चीजें क्या होगा एक फिजिकल चेंज एक होता है केमिकल चेंज तो देखो कुछ चीजें जो फिजिकल चेंज है वो आपका रिवर्सिबल हो जाता है बहुत सारे चीजें कुछ जो है केमिकल चेंज है तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है अब देखो जैसे नो no डाउट कुछ केमिकल चेंजेस भी हैं हैं वो आपके रिवर्स होते है. जैसे ओजोन ओजोन में क्या है ओ थ्री ऑक्सीजन ओ टू तो ये देखोगे आपके अस्ट्रेटो में अस्ट्रेटो में तो ये चेंज होते रहते हैं एक दूसरे फॉर्म में तो कुछ केमिकल चेंजेस भी हैं रिवर्सिबल होते हैं कुछ लेकिन जनरली फिजिकल चेंजेस बहुत सारे जो होते हैं वो आपके हाँ लेकिन आप देखो जैसे ये करो मिट्टी है तो मिट्टी को आप सुखा दो तो वो हार्ड हो गया फिर उसको गीला कर दो सेम फॉर्म में आ जाएगा लेकिन वही ईटे को पका दो तो वो रिएक्शन कर लेता है वो तो फिर वो फिर सेम फॉर्म में नहीं आता है तो ये फिर अब देखो और चीजें क्या होता है कि कुछ चीजें चेंज कैसे होता है तो कुछ एक्सपेंशन होता है कुछ में कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे आयरन को गर्म करते हो तो एक्सपेंड करता है और फिर ठंडा होता है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर देखो आपका वेपराइजेशन ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं पहले में तो वेपराइजेशन यानी कि वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर है मेल्टिंग ये मेल्ट करना तो मेल्ट करना जैसे सोलिड है वो मेल्ट करके आपका लिक्विड बन गया तो ये स्मॉल सी चीजें हैं और बाकी स्टोरी है तो देखो इसमें यही चीजें है सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम तो कुछ चीजों को दूसरे से मिला करके उसको चेंज कर सकते हैं जैसे आटा है आटा में पानी डालो तो वो गीला हो गया तो वो चेंज हो गया उसमें कुछ मिला रहे हैं या फिर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है तो ये इसमें से असवॉल सा कुछ भी ये नहीं स्टोरी के फॉर्म में है बस इन चीजों को आप देखोगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस